अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो एक अच्छी जगह पे मेट्रो आपको बहुत मजा आएगा। हाँ जी वो जगह है मेट्रो जहाँ पे आज मम्मा नहीं आई है, हम लोग सिर्फ जा रहे हैं। कोई भी नहीं गाड़ी में, देखो हम तीन है। अच्छा भाई हम आज जो है ना वो जा रहे हैं मेट्रो सामान लेने, और कराची में हुई है बारिश और ठीक ठाक बारिश हुई है, हर जगह पानी है, तो इसीलिए जो है फिर हम तीनों जो है ना वो जा रहे हैं मेट्रो, और रास्ते में हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ रास्ते में पानी है, कहाँ नहीं है, कहीं बारिश हुई है नहीं हुई है। तो मिलते हैं मेट्रो में। हाँ जी तो गाइस अभी हम मेन रोड पहुँच गए हैं और जगह जगह पानी वानी था, पानी की वजह से जो है काफ़ी दुश्वारी हुई हमें। ये मेन रोड है तो मेन रोड इस वक्त तो क्लियर है, हम यही करेंगे कि हम ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि आगे पानी हर जगह खड़ा रहेगा, तो आगे से हम जो है ना मेन रोड पे जाएंगे ऊपर वाले रोड पे। हाँ बोलो बाबा, ये बोलेगा पहले, आजान बोलेगा, नहीं पहले अहमद बोलेगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ज्यादा पानी दिखे तो गाड़ी स्लो कर दें, वरना आपको आपकी गाड़ी बंद भी हो सकती है और किसी के पानी भी लग सकता है। जब आप ज्यादा पानी में गाड़ी तेज चलाते हैं तो स्लो करें। हाँ स्लो करें क्योंकि पानी किसी और को ना लगे, जो रास्ते में पैदल चलने वाले हैं किसी और उनको, उनको पानी ना लगे। अच्छा ऐसा आप बोलो, क्या बोल रहे हो गाइस, अगर कोई किसी रोड पे पानी बहुत सारा हो तो स्लो ही कर देना। हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, फिर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, हमारी गाड़ी में जो पानी लग गया था इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, हमारी गाड़ी नहीं किसी और की थी। हाँ हमारी भी बंद हुई थी ना एक मतलब। ये देखें मौसम बड़ा खुशगवार है कराची का, और रोड के साइड में हरियाली है, ट्रैफिक कम है, मामूल से कम है। हाँ जी अजान साहब जो है वो देख रहे हैं, अहमद साहब भी इधर बैठे हुए हैं, और हम अभी जा रहे हैं मेट्रो, मुलाकात होगी मेट्रो में। तो गाइस हमने जैसे ही कहा था कि हम ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे, नीचे वाले रास्ते में पानी खड़ा होगा, तो आप दिखाते हैं। देखें सारी गाड़ियां वहां पे रुकी हुई हैं और आराम आराम से गाड़ियां निकल रही हैं। सामने से देखें कितना पानी खड़ा है वहां पे, रक्षा भी खराब हो गए, वहां पे रक्षा वाला भी खड़ा है और गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हुई है। ये देखिए कितना पानी है, और इस पानी को हम यूज कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से जो है ये पानी डायरेक्ट समंदर में ज़ाया होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसको दोबारा री इंजेक्ट हम कर सकते थे ज़मीन के अंदर, ताकि ज़मीन का जो वाटर टेबल है वो वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हो। ये देखें ये अर्बन फ्लड है, अर्बन फ्लड को मैनेज करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप पानी को जो है ना वो री इंजेक्ट करें। देखें किस तरह गाड़ियाँ जा रही हैं यार, किस तरह जा रही हैं यार, देखें यार कितना पानी जाया हो गया, देखें कितना पानी जाया हो गया, देखें बहुत सारा पानी जाया हो गया। तो अभी आलम साहब कुछ कहना चाहते हैं, आलम बोलो। गाइस आपको बताएं, जब कोई तेज पानी अगर कोई मून गिरे ना अर्थ पे, मून वगैरह चलो भाई मून और अर्थ को छोड़ें फिलहाल, बारिश और जो है ना कराची की बात करें। हाँ हाँ आप मून पे कहाँ पहुँच गए हो, जमीन की हालत देखो, मून पे पहुँच गए हो, मून पे ना तो क्यों नहीं बनाओगे फिलहाल है, तो मून पे ना तो ऑक्सीजन है, ना पानी है, ना कुछ है। आप जमीन की बात करो, देखो कचरा बन गया यार यहाँ पे, तो कराची को कचरा बना दिया यार, देखे यार कराची को कचरा बना दिया यार, बहुत यार अफसोस की बात है। तो गाइस अगर कहीं अर्थ पे मून गिरे, मीटियोर गिरे, उससे बच जाना, घर के अंदर चले जाना। अगर ऐसी जगह ढूंढे, अगर चाहिए पे भी वो टकरा जाए वहां से घर पे ही भाग जाना, क्योंकि समुद्र में सुनामी भी आ सकती है, तो ये बात याद रखना। अच्छा भाई अजान का कहना ये है कि जो है ना वो जब अगर मून गिरे अर्थ पे तो, या मीटियोर गिरे समंदर में तो सुनामी आ सकती है, इसकी वजह से जो है सैलाब आ सकता है, तो आप लोग जो है ना फौरन ही घर चले जाओ, अपने सिक्योर जगह पे चले जाओ। ठीक है ये कहना चाहते थे। अच्छा चलो एक और बात तो, हाँ बोलो बोलो।
अगर कहीं पे भी कोई लंबे लंबे बाल दिखे, बादल दिखे, उसे छोड़ के अंदर भाग जाना। क्योंकि वो लंबे लंबे बादल, लंबे बादल या घने बादल, काले बादल नहीं, काले बादल नहीं, काले बादल नहीं, वो जो होते हैं ना जिसमें उस बादलों से टॉर्नेडोस आते हैं और बवंडर आते हैं, और जब और फिर वो आती है ना बिजली कड़कती है और सारी चीजें आ जाती है। चलो भाई ठीक है, बवंडर आते हैं, टॉर्नेडो आते हैं, तो आजान कह रहा है कि फिर आप अपने घरों में चले जाएं, तो ताकि सेफ रहें आप लोग। चलो गाइस अभी यहाँ पे जो ना मामला क्लियर है, आगे बारिश कम हुई है और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो, तो आपको आगे का भी रास्ता दिखाएंगे। गाइस फाइनली हम पहुँच गए मेट्रो। ये बाबा ये ऑयल चेंज कर रहे हैं, ऑयल चेंज कर रहे हैं। अच्छा आगे क्या दिखा रहे हो, आगे ये धुआं किस चीज की है? आगे चेंज होता है। ओ ये देखे भाई, ये देखो चिमनी से जो ना इतना धुआं निकल रहा है। ओ हाँ बस ऐसी ट्रेन हो सकती है। अहमद क्या बता रहे हैं अहमद, पोल्यूशन होती है हवा में, हवा में आलूदगी होती है। तो हम पहुँच गए भाई, चलो भाई चलो आ जाओ। तो हम अभी जा रहे हैं मेट्रो के अंदर, थोड़ा सामान खरीदेंगे फिर हम वापस जाएंगे। ऊपर से डलता है इंजन, गाड़ी छटकी भी हो जाती है। तो गाइस हम मेट्रो में दाखिल हुए हैं। ये सामने होंडा की बाइक्स है, होंडा सिटी 70 रेड है और होंडा सिटी 70 ब्लैक है और होंडा सीजी 15 है। आ जाओ। हाँ कौन सी वाली? डिग्गी वाली गाड़ी। अच्छा आ जाओ चलो, नहीं करते हैं पापा, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, आ जाओ हैं। चलो हाँ दिखाओ क्या है। इमोजी वाले पिलो हैं, इमोजी के पिलो हैं। भाई आपने क्या डाला यहाँ पे? सर्फ डाला है, आपने सर्फ ब्राइट डाला है। अभी हम करते हैं शॉपिंग, फिर हम दोबारा वीडियो व्लॉग बनाएंगे, सही है? ओरियो भी लेंगे बाबा, ओरियो भी लेंगे। लो हाँ ये लो, आ जाओ साबुन लेते हैं, आ जाओ। ये नहीं, ये छोटे वाले हैं साबर, ये नहीं है बड़े वाले। हाँ ये उठाओ शाबाश, चलो चलो डालो। टिक करता जा रहा है लिस्ट में, जो है ना वो जो आइटम हम उठा रहे हैं मैं जो है ना वो टिक कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो जो हम आइटम उठा रहे हैं मैं टिक करता जा रहा है। आजान आ जाओ, चाय उठाओ, इधर आओ चाय उठाओ चाय। ये टपाल दानेदार, अजान जामे शुरू उठाओ जो। हाँ तो गाइस हमें भूख लगी, हमने अपने लिए ऑर्डर किया, मैंने किया मिक्स सैलेड और अजान ने किया पिज्जा, ठीक है, और इसके साथ आजान ने जूस भी, मैंगो शेक, और मैं लूंगा भी आइसक्रीम पिज्जा खाने के बाद, पिज्जा खाने के बाद लूंगा। चलो सही है, अभी हम जब तक जो ना वो पेट पूजा कर ले, पेट पूजा कर लेंगे, फिर जो ना जब तक आजान का जो है वो पिज्जा रेडी हो, ठीक है, और हमारे शेक भी बन रहा है वहाँ से, और हम फिर जो है
रिफ्रेश हो जाएंगे। आप एंजॉय कर रहे हो अदान? यस। हैं? यस। इधर तो देखो, आप पिज्जा खा रहे हो, हमें तो नहीं खिला रहे हो। अरे यार उसको छोड़ो। ये ना, ये इसे काटते हैं। बस कट गई, काट दी। बस फर्दर नहीं काटो, और नहीं काटो। ऐसे एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है? हैं? तो गाइस ये जो ना एंजॉय कर रहा है, हमें खिला भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है हमसे। हैं? नहीं बस आप खाएं भाई, मैंने खा ली, मैंने सलाद खा ली। ना ये टूटा हुआ कांटा खा लो इसमें। गाइस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी करें और बेल आइकन दबाना जरूर नहीं भूलें। अब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बोलो।